हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि न पढ़ने के जितने बहाने हम ढूंढते हैं, अगर पढ़ने के एक भी बहाने ढूंढ लिया जाए तो जिंदगी समर जाएगी। तो आइए, आज हम ये 12th क्लास का जो है मनोविज्ञान का पहला चैप्टर में कुछ समझा रहे हैं, इस पर आप लोग गौर करें। पहला चैप्टर का जो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, ये जो चैप्टर है उसका नाम ही है कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इसका कहने का मतलब है कि जो मनोवैज्ञानिक थे, जो मन के विज्ञान को जानने वाले वैज्ञानिक थे, उनके गुण में विभिन्नताएं था। मतलब कोई भी व्यक्ति एक गुण का नहीं हो सकता है, सभी व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, सभी का गुण जो है समान कभी नहीं हो सकता है। तो उसी के आधार पर जो है हमको इसमें सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करना होगा। यानी मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनके गुण का मूल्यांकन करना होगा। यानी उनके गुणों के बारे में जानना होगा, उनको जांचना पड़तालना होगा कि किस ढंग से उनके पास जो है गुण है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। फिर जो है कि जैसे हम मनोवैज्ञानिक गुण का जब मूल्यांकन कर लेंगे तो जो है मानव गुण में जो व्यक्तित्व का विभिन्नताएँ आएगा, यानी मानव के गुण में जो व्यक्तिगत विभिन्नता आएगा, मानव के गुण में व्यक्तिगत विभिन्नता आता है। आप लोग देखते होंगे कि सभी मानव में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, यानी हर एक व्यक्ति का हर एक प्रकार से गुण होता है। उसमें जो गुण होता है, हर एक ढंग का गुण होता है। कोई जो है कि बहुत तेज बुद्धि का होता है, कोई बहुत ही मंद बुद्धि का होता है, हर एक गुण है। तो वही गुण जो है कि कौन कौन गुण से इसमें जो विभिन्नता पाया जाता है उसके बारे में जानना है। कि सबसे पहले होता है शारीरिक गुण एवं बनावट। तो शारीरिक गुण एवं बनावट से मेरा तात्पर्य क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति होता है उसका जो है शारीरिक गुण जो है सबका अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति को देखते होंगे कि बहुत ही जो है नाटा रहता है, कोई व्यक्ति बहुत ही लंबा होता है, कोई जो है मध्यम साइज का होता है। यानी कि उसके जो है शारीरिक गुण बनावट में देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो है किसी का एकदम पूरा हट्ठा कट्ठा व्यक्ति होता है, कोई एकदम दुबला पतला होगा, ऐसा दुबला पतला होगा जैसे लगेगा कि जैसे तेज अगर जो है हवा कहीं चल गया तो हो सकता है कि वो जो है कि वो हवा के झोंका में जो है कि कहीं ना पार हो जाए। तो ऐसा जो होता है बनावट होता है, शारीरिक बनावट को देखा जाए। तो इसमें जो है पहला में हमारा यही था कि शारीरिक गुण लंबा हो गया, नाटा हो गया, छोटा हो गया, एकदम जैसे जो भी हो बड़ा साइज या जिस ढंग का साइज को देखा जाए वो है उसके बनावट। किसी का शरीर जो है गठीला भी होता है, किसी का मतलब जनरली जो है कि ठीक ढंग का शरीर होता है। तो वो जो होता है ये शरीर के बनावट पर भी निर्भर करता है। यानी मानव के गुण में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है, ये विभिन्नता में पहला ये आता है। फिर आता है बुद्धि। तो बुद्धि को हम देख सकते हैं, जैसे जो बुद्धि आया तो बुद्धि क्या होता है, सबसे पहले देखते होंगे कि बुद्धि जो है हर एक व्यक्ति का हर एक तरह का होता है। किसी का बुद्धि एक जैसा नहीं हो सकता है, किसी में बुद्धि प्रखर बुद्धि का कोई व्यक्ति होता है जो, या देखते होंगे जैसे क्लास उलास में देखते हैं कि जब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि जैसे ही अगर उसे बताया जाए एक बार में वो फॉलो कर लेता है, एक बार में वो समझ जाता है। कुछ जो है उसे कम बुद्धि का जो होता है वो क्या करता है, जैसे कभी कुछ देख रहा है तो कुछ दूर तक वो समझता है, फिर वो जो है समझने नहीं लगता है। कोई कोई तो इतना मंद बुद्धि का होता है कि उसको तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो से चार बार बताने पर जो है कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो समझता है। अन्यथा अगर कहीं वो मन में बैठा लिया कि हमको समझ में नहीं आएगा, तब तो उसमें कितना भी बुद्धि लगाया जाए तो उसका बुद्धि बढ़ नहीं सकता है। तो ये बुद्धि होता है जो कि सभी व्यक्ति में बुद्धि क्या है अलग अलग प्रकार का होता है। तीसरा है अभी क्षमता।
अभी क्षमता से ही समझ में आ रहा है कि सभी व्यक्ति का जो है कोई भी बात किसी भी चीज़ को ग्रहण करने का जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि क्षमता के अनुसार कोई भी काम किया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि जो है कि छोटा बच्चा रहता है तो उसका क्षमता कुछ अलग है, उससे कुछ बड़ा होता है तो उसका क्षमता कुछ अलग है, और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसका अभी क्षमता जो है बढ़ते चला जाता है, यानी उसमें क्षमता कोई भी बात कोई बात को कैप्चर करने का क्षमता जो है अधिक हो जाता है, काम करने का क्षमता अधिक हो जाता है, याद करने का क्षमता अधिक हो जाता है, मतलब हर एक प्रकार से उसमें जो है क्षमता उसके जो है कि शरीर का जो क्षमता है वो भी बढ़ जाता है, वो भी जो है कि कम नहीं रहता। जैसे छोटा बच्चा अगर रहेगा तो उसको अगर कुछ भी अगर जो है कि हम क्या करेंगे 500 ग्राम का कोई वस्तु दे देंगे, ज़्यादा छोटा रहेगा तो वो ले जाने में उसको जो है बहुत अपने क्षमता के अनुसार वो लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन वही जो बड़ा होगा तो उससे ज़्यादा वजन का सामान दीजिए वो लेके जाएगा, उसके लिए वो क्षमता जो है कि बड़ा होगा। और इसी तरह से जो है ये अभी क्षमता भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नता में आता है। उसके बाद आता है आपका अभिरुचि। तो किसी भी क्षेत्र में अभिरुचि का होना तो बहुत ही जरूरी है, और मनोविज्ञान में जो है अभिरुचि, अब जैसे किसी को अगर देखा जाए कहते हैं कि तुमको जो है ये बात करना है, हम जो इस बात को जानते हैं और उसको कोई रुचि ही नहीं है। कभी कभी अगर दो व्यक्ति आपस में बात करते देखते होंगे तो देखते होंगे कि अगर कोई आप बात उसको बोल रहे हैं तो क्या करेगा, सही ढंग से रुचि ही नहीं ले रहा, आप बोलिएगा कुछ तो वो बोलते रहेगा कुछ, या हो सकता है इग्नोर करे, या तो कहेगा वो व्यक्ति कि चलिए अब चलते हैं, मतलब ये जो है यानी अगर वैसा व्यक्ति बोल रहा है तो समझ जाइए कि आपके बातों पर उसका जो है कोई अभिरुचि नहीं है। तो अभिरुचि पढ़ने के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जिस स्टूडेंट में पढ़ने का अभिरुचि होता है वो क्या करता है, अगर कुछ काम भी है तो उस कामों को करेगा, करने के बाद जो भी क्या करेगा वो आ जाएगा, फिर अपने पढ़ाई में लग जाता है, ये होता है अभिरुचि। अभिरुचि के बिना जो है अगर पढ़ने में भी उसको मन नहीं, अगर रुचि नहीं है पढ़ने में तो नहीं पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। आप लाख उसको प्रयास करिए, जब किसी बच्चा को देखते होंगे कि अगर उसको जो है पढ़ने के लिए होमवर्क दिए, अगर वो जो है उसका रुचि नहीं है तो पक्का है कि नहीं करेगा, चाहे आप उसको कितना भी मारें वो काम अपने ढंग से नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो क्या करेगा बिगाड़ देगा। किसी को अगर कभी कभी देखते होंगे काम करने के लिए अगर दिया गया, अगर उसको मन नहीं है करने का तो क्या होता है, जैसे लड़की लोग को अगर देखा जाए कि घर में अगर खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए, अगर खाना बनाने के लिए बोल देते हैं अगर उसको रुचि नहीं है खाना बनाने में तो वह क्या करेगी, खाना को अगर रोटी बना रही है तो रोटी को टेढ़ा जला देगी, सब्जी बना रही है तो उसमें क्या करेगी नमक ज़्यादा दे देगी, क्यों, क्योंकि उसको रुचि ही नहीं था, उसको ज़बरदस्ती आप जो है बनाने के लिए बोले थे। इसीलिए अभिरुचि भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता में पाया जाता है। उसके बाद आता है उसका व्यक्तित्व। अगर ऊपर से ये सारा गुण अगर देखा जाए कि उसमें मौजूद है तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी वो जो अच्छे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसको देखेंगे कि उसका व्यक्तित्व अलग टाइप का होता है, उसका व्यवहार अलग ढंग से चलते रहता है, वो जो है इस ढंग से व्यवहार करेगा कि आप लोग जो है उसको कहते हैं कि ये जो है अच्छा व्यक्ति था। उससे क्या पता चला, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चला। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है उसको थोड़ा हेल्प कर दिया तो वो जो है उससे उसको क्या चलता है, अगर गरीब लोग हैं उसको अगर कहीं हेल्प किया है, कहीं कोई भिखारी मिल गया उसको थोड़ा दान दे दिया है, तो वो क्या है उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, लेकिन जिसका व्यक्तित्व खराब है वो क्या करेंगे उस ढंग का ही परिचय देंगे, यानी खराब व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ये होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। ये भी विभिन्नता में आता है, मानव के जो गुण का विभिन्नता है ये भी शामिल है। उसके बाद आता है जब इतना जो है कि बढ़ जाएगा, इतना सारा गुण मौजूद हो जाएगा व्यक्ति में, तब क्या होता है देखते होंगे किसी किसी चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि अगर उसका मांग अगर हो रहा है किसी ढंग से मांग हो रहा है ज़्यादा, लगेगा कि ये जो है मांग होने वाला है, बहुत सारे लोग जो है उसको मांग कर रहे हैं, तो कभी कभी देखता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा बुलावा आने लगे
ज़्यादा लोग उसको चाहने लगे, ज़्यादा बुलाने लगते हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं जनरली हम सब जो है कि गांव में बोलते हैं उसको कि उसका भाव बढ़ गया है। भाव बढ़ने का मतलब क्या है? भाव बढ़ने से साबित होता है कि उसका मूल्य बढ़ गया है, यानी कि उसका जो है मूल्य बढ़ जाता है। ये भी जो आपका है तो ये मानव गुण में व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो ये जो आपका 6 प्रकार का विभिन्नता है वो मानव गुण में ही व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। उसके आगे आते हैं तो देखते हैं मूल्यांकन करने की विधियाँ, मतलब किसी भी जो मनोवैज्ञानिक है वो मूल्यांकन करने की विधि बताए हैं कि मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन जो होता है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे उसके पास क्या मतलब जो है कि किस ढंग का गुण है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस तरह से उसका दिमाग चल रहा है, उस ढंग में जो है मनोवैज्ञानिक उसका परीक्षण करते हैं, यानी उसको जांच पड़ताल करते हैं, उसको देख लेते हैं कि किस ढंग का वो जो है काम कर रहा है, उसका माइंड किस तरह से काम कर रहा है। ये जो है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, उस तरह का परीक्षण करते हैं। वैज्ञानिक को देखे होंगे, करे ये बात सोचेगा वैज्ञानिक क्या होता है, अपने मन से परीक्षण करता है। अगर वो किसी चीज़ को देख रहा है तो वो बोलेगा कि ओ ये ऐसे हो सकता है, अच्छा ऐसे अगर होगा तो देखते हैं कहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है। ये बात को जो है मनो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उस ढंग का जो है परीक्षण करते हैं। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी इस पर जो है मूल्यांकन करने का एक विधि है। दूसरा होता है साक्षात्कार, जिसको कि जैसे साक्षात्कार बहुत सारे लोग हिंदी में नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अनपढ़ लोग भी हैं इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इंटरव्यू के बारे में जानते होंगे, कहते हैं कि इंटरव्यू में ये हुआ ऐसे हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है आपको सामने, जैसे किसी भी क्षेत्र में आप गए तो आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने का मतलब क्या है कि जैसे आपके माइंड को टेस्ट करेगा, वो माइंड को टेस्ट करेगा, यानी वही मूल्यांकन हो रहा है वहाँ पे। आप जो है कितना, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आप उसमें ट्राई किए, आप पास हो गए, तो उसका साक्षात्कार होगा। तो वो साक्षात्कार जो होगा आईएएस लेवल का होगा, वो आपको उस तरह का क्वेश्चन नहीं करेगा जो कि आप कितना किताब पढ़े ये सब को बारे में उस ढंग का नहीं कर सकता है। वो आपको जांचना चाहता है, क्या जांचना चाहता है कि आप जो है किस तरह का आंसर देते हैं, किस तरह से आप उसका विश्लेषण करते हैं, ये सब बातों को जानने के लिए जो है साक्षात्कार लिया जाता है। ये जो है कि मूल्यांकन का भी विधि है, यही साक्षात्कार भी मूल्यांकन का ही विधि है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत अध्ययन। तो व्यक्तिगत अध्ययन यानी पर्सनली, जैसे मान लिया जाए कि जैसे जो हम व्यक्ति हैं तो व्यक्तिगत, या किसी दूसरे व्यक्ति का, तो कभी कभी देखते हो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी जी हैं तो उनका अगर अध्ययन करना हो तो पर्सनली उनका जो जितना डिटेल है उनके व्यक्ति का क्या होता है अध्ययन करेंगे। या पर्सनली जैसे हम हैं तो अपने व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या मेरा व्यक्तित्व अगर कहीं होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है मेरा अध्ययन करेगा पहले, तब जो वो मूल्यांकन करके बताएगा कि मतलब इसका व्यक्तिगत अध्ययन किया, मतलब मेरे बारे में जितना जानकारी होगा वो डिटेल में वो जो है संग्रह करेगा, यानी उसका मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करने के बाद वो जो है व्यक्तिगत अध्ययन कहला जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में जब हम विशेष रूप से उस पर गौर करने लगते हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन कहला जाएगा। उसके बाद आपका आता है प्रेक्षण, यानी किसी भी चीज़ का क्या होता है कि जब सारा कुछ जो है मौजूद हो जाए तो उसको क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, यानी जांच पड़ताल करेंगे, उस ढंग का जांच पड़ताल करेंगे कि जैसे क्या किस ढंग का ये काम हुआ है कैसे होना चाहिए, और ये जो है सही है या नहीं है, ये सब बातों को उसमें अगर दर्शाते हैं तो ये जो हो जाएगा हमको क्या करते हैं उसको प्रेक्षण कहते हैं। प्रेक्षण के बाद आता है आपका, जब प्रेक्षण तक शामिल हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गया, आपका साक्षात्कार हो गया, व्यक्तिगत अध्ययन हो गया, उसके बाद जो है प्रेक्षण जब हो गया ये होता है आत्म प्रतिवेदन, यानी आत्मशक्ति जो है बढ़ेगा आपका, जो है
सेल्फ जो शक्ति होगा वो बढ़ेगा। आप जब इतना अगर हो जाएंगे, इतना होने के बाद ये सब विधि में आप अगर निपुण हैं तो आपका क्या होता, आत्मबल बढ़ जाता, आत्मशक्ति बढ़ जाता। जैसे मान लिया जाए, कभी आप देखते हैं कि आपका आत्मबल कैसे बढ़ता, अगर किसी काम को करने गए और उस काम में आपको हल्का बाधा भी अगर आ गया और वो काम क्या हुआ, सफल हो गया। जब वो काम सफल हो जाता है तब जो है आपका क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन बढ़ेगा, यानी आत्मबल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से जो है क्या होता है कि आत्मबल जब बढ़ जाएगा तो उस काम को और फिर से आप करेंगे। जैसे मान लिया जाए, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद जैसे हम ही अगर टेस्ट लेते हैं, तो उसमें स्टूडेंट को क्या कराते हैं कि अगर टेस्ट में एक कंपटीशन का भावना आता है, कंपटीशन का भावना जैसे ही आया स्टूडेंट सब रेस में लग गया, सब जो है पढ़ने के दौड़ में लग गया, सब पढ़ने लगता है। सब पढ़ा, टेस्ट कब है, टेस्ट कब है, जब जान गया कि टेस्ट अब है, उसके बाद वो आया। आने के बाद जब टेस्ट में, जैसे अगर हम अगर टेस्ट लेते हैं तो 60% निर्धारित किया कि 60% में मेरे यहाँ पास होगा, उससे नीचे लाने वाले को हम फेल मानते हैं। अगर इस ढंग से चलते हैं तो 60% अगर जो स्टूडेंट ले आया उससे कोई अधिक लाया, कोई 90% लाया, कोई 80% लाया, तो जिस परसेंटेज के हिसाब से वो आता है, अगर किसी किसी को थोड़ा कम विश्वास था लेकिन उसके साथ भी जो है किसी तरह से वो 60% में अगर पहुंच चुका है, तब उसके दिमाग में क्या आएगा, आत्मबल जो है बढ़ जाएगा, यानी आत्म प्रतिवेदन आ जाएगा। तो आत्म प्रतिवेदन में वो होगा, वो सोचेगा कि हम जो है इतना मेहनत किए थे तब जो है क्या हुआ कि मेरे साथ इतना नंबर आया है। अगर जो है अब वो सोचेगा, अंदर ही अंदर उसका बल इतना बढ़ेगा, अब सोचेगा कि अरे अब तो हम इतना मेहनत किए थे तब हमको इतना नंबर आया है, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो जो अगला स्टूडेंट जो लाया था 90%, हम अगर उस ढंग से मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा पढ़े थे तब हम 60 क्रॉस कर गए, अगर थोड़ा और थोड़ा मेहनत अगर थोड़ा जोर से करेंगे तो 90% वाले को जो है हम क्या कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। इसीलिए जो है उसका क्या होगा, आत्म प्रतिवेदन बढ़ जाएगा। ये जो है आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को जैसा भी हो, जैसा वीडियो लगे, और इसी के साथ मेरा ये कहना भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।